राखी ले लो, राखी भाई बहन की प्यार वाली राखी, राखी ले लो। भैया ये राखी कैसी दी? ये 5 रुपए की दी है, ये 10 रुपए की, ये 20 रुपए की। भैया यही लगा लो 20 वाली 10 की। नहीं हो पाएगी दीदी। नहीं दीदी, इतने में नहीं हो पाएगा, इसमें हमें सिर्फ 1-2 रुपए मिलते हैं। अरे तो सही तो है, 10 रुपए में लगा लो। नहीं नहीं हो पाएगा। एक तो इतनी बेकार बकवास सी राखी, ऊपर से इतनी महंगी नहीं चाहिए हमें, रखो अपने पास। अरे चला डा, हम कहीं और से ले लेंगे। अच्छी राखी है ना कितनी? हाँ बहुत अच्छी है। वो देख इधर देख कितनी अच्छी राखी है, वो उधर बेकार सी राखी है बेच रहा था। हाँ सही कह रही है। अब ये कितने की भैया? 21 रुपए की। अंकल थोड़ी कम की लगा लो। बहन जी ये एक ही रेट की दुकान है, ये साइड वाला माल नहीं है। भैया वो वाली पैक कर दो 5। हाँ अरे जल्दी बांधो राखी यार, तुम लोग हर बार की तरह इस बार भी लेट कर लिए तुम लोगों ने। हाँ। यार काम पर जाना मेरे को, जल्दी बांधो। हाँ। यार देखिए उसने राखी कैसी दी है, खराब सी। अरे सही तो है यार, राखी की तरह बांध दे यार, ऐसी क्या दिक्कत है। हाँ यार सही कह रही है, घी भी खराब है जी, घी भी खराब है। देख जैसे फिर के आते हैं। चलो अरे यार ऐसी बांध दे यार, राखी तो है। अब यार इन दोनों का हर बार नाटक होता है जी, रक्षा बंधन वाले दिन हर बार लेट कर लेती है, और कुछ सामान देख के लाती ही नहीं है यार। काम पर जाना था मेरे को यार, लेट हो जाऊंगा यार। कैसी राखी दी है आपने? सारी सारी खराब है, एक भी सही नहीं है इसमें। बहन जी मैं तो आपको चेक करा के दे दी, आपने खुद पसंद की है, मैं क्या करूं? अब आप इसको फेंको चाहे कुछ भी करो, वापसी तो होगी नहीं। चल छोड़ो, रहने दे, गलती हमारी थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। चल ये लो भैया अपनी राखी, रखो अपने पास ही, नहीं चाहिए। भैया अब एक काम करो, ये सारी राखी पैक कर दो। लेकिन आप तो अच्छी दुकान से राखी लेने गई थी, अब क्या हुआ? भैया हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपसे ना राखी लेकर उस दुकान वाले से कुछ पैसों के चक्कर में धोखा खा गया। दीदी हम गरीब जलूल हैं, लेकिन किसी को खराब सामान नहीं बेचते, और कुछ लोगों को लगता है कि हम रोडों पर राखी बेचते हैं इसलिए खराब बेचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भैया आज रक्षाबंधन है, क्या हम आपको राखी बांध सकते हैं? कोई भी दुकानदार छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी और बड़ी तो सोच उन लोगों की होती है जो छोटे दुकानदार से सामान ना लेकर बड़ी दुकान की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हर एक इंसान बड़ी दुकान से सामान ना लेकर उन छोटे गरीब दुकानदारों से सामान लेंगे तो उनका त्यौहार भी अच्छा बन सकेगा। हैप्पी रक्षाबंधन।